गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडेज एजेंडा इज वी विल क्रिएट अ डेटाबेस एंड वी विल क्रिएट अ टेबल इनसाइड दैट डेटाबेस। वी विल स्टोर सम वैल्यू ऑन दैट डेटाबेस एंड वी विल डिस्प्ले दैट वैल्यू एज वेल। ओके, सो आज हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उस डेटाबेस के अंदर एक टेबल को क्रिएट करेंगे और उस टेबल में कुछ वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। एंड इस सारा जो वर्क है वो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, बाय यूजिंग अ पाइथन प्रोग्राम हम उसको अचीव करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंपोर्ट माय कनेक्टर, इंपोर्ट माय एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। अब मैं इसका एक एलियास बना देता हूँ एसएस। अब मैं बार बार माय एसक्यूएल डॉट कनेक्टर पे यूज ना करके उसके बिहाफ में एसएस यूज करूँ। अब मैं एक वेरिएबल लूंगा माय डीबी नेम से और उस डीबी में मैं क्या करूंगा, ठीक है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करूंगा माय एसक्यूएल से, ठीक है। तो वो जो कनेक्शन जो एस्टैब्लिश करेंगे उसके लिए मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ता है, कनेक्ट। और ये जो कनेक्ट फंक्शन है ये अपने साथ चार आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट है होस्ट, होस्ट आपका रहेगा लोकल होस्ट। ओके, बिकॉज आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो, आपके कंप्यूटर पे एक आपका जो MySQL इंस्टॉल है आप उस होस्ट से कनेक्ट हो रहे हो, उस सर्वर से कनेक्ट हो रहे हो, तो इसलिए आपका लोकल होस्ट है। अगर आपका आप किसी नेटवर्क में रखा हुआ है आपका सर्वर, या आप कहीं लेट सपोज अब मैं अपने घर से वर्क कर रहा हूँ और स्कूल में कोई सर्वर रखा हुआ है, तो वहां से मुझे उसको रिमोटली एक्सेस करना पड़ेगा, तो वहां पर मुझे उस सर्वर का आईपी एड्रेस चाहिए होगा। बट फिलहाल जो मेरा ये जो सर्वर है वो मेरे कंप्यूटर पे ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट रखा हुआ है। अब उस जो सर्वर है उसका एक यूजर नेम होगा और वो यूजर नेम क्या है, रूट है। अब उस यूजर नेम का क्या होगा, ये पासवर्ड होगा, मेरे केस में ये जो पासवर्ड है वो ब्लैंक है। और चौथा आर्गुमेंट क्या है, डेटा बेस। अब चाहो तो यहाँ पर डेटा बेस का नहीं मेंशन कर सकते हो, बट अगेन यहाँ पर हमें क्या करना है, एक डेटा बेस खुद क्रिएट करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इस जो फोर्थ पैरामीटर है उसको एज इट इज छोड़ दिया, बिकॉज फोर्थ पैरामीटर डेटाबेस क्या होता है, आपका ऑप्शनल होता है, आप उसको लिखो चाहे ना लिखो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम डेटाबेस हमें क्रिएट करना है, ठीक, तो हमने यहाँ पर उसको लीव कर दिया। अब मैं एक बार प्रिंट करके एक बार उसको रन करा लेता हूँ, देखता हूँ कि ये प्रॉपरली प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यस, यू कैन सी कि यहाँ पर जो कनेक्शन है वो एस्टैब्लिश्ड है, ये आपका प्रिंट हो रहा है, ठीक। देन आफ्टर दैट मैं एक कर्सर ऑब्जेक्ट यहां पर बनाऊंगा क्वेरी को अचीव करने के लिए, माय कर्सर इक्वल्स टू, ठीक है, और जो माय कर्सर है वो आप कहां से लोगे, माय डीबी डॉट कर्सर, ठीक है। अब माय कर्सर जो है, ठीक है, माई कर्सर आपका क्या है, एक आइडेंटिफायर है, एक वेरिएबल का नेम है, आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, बट मैं जो कर्सर फंक्शन को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, माई डीबी जो मेरा है उससे मैंने क्या पिक किया है, एक कर्सर फंक्शन को यूज किया है, उस कर्सर को मैंने नेम दे दिया है माई कर्सर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा क्वेरी, जो भी क्वेरी आप एग्जीक्यूट कराओगे वो माई कर्सर के अंदर कराओगे, my cursor dot execute, ठीक है। क्या कमांड होती है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, क्रिएट डेटा बेस, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस बैनर। अब यहां पर देखो दो पॉइंट है, अब अगर प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आएगी, प्रॉब्लम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये यह आएगी, अगर डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो डेटाबेस क्रिएट ना हो, अगर ये डेटाबेस, चलो लेट अस सपोज डेटाबेस क्रिएट नहीं है, जब मैं फर्स्ट टाइम ये डेटाबेस की क्वेरी रन करूंगा तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, जब मैं दोबारा इसको रन करूंगा तो हमारे जो एसक्यूएल में ऑलरेडी बैनर नाम से डेटाबेस क्रिएट है, ठीक है, तो वहां पर ये आपका प्रोग्राम क्या होगा, एरर मार जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक सिंपल कोड लिखूंगा कि जो ये डेटाबेस आप क्रिएट करो कब करो, इफ नॉट
एग्जिस्ट। अगर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा बैनर तो क्रिएट करें, ठीक है। आप चाहो तो क्रिएट डेटाबेस बैनर करके भी इसको रन कर सकते हो, बट फिलहाल जो मेरा मोटिव है कि बैनर डेटाबेस कब क्रिएट हो, जब वो डेटाबेस बैनर हो ही ना। अगर डेटाबेस हो तो क्रिएट ना करें, उसी डेटाबेस में वो काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो ये मेरी क्वेरी हो गई एंड यहाँ पर मैंने इसको एग्जीक्यूट करा दिया, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब आपको पता है कि मुझे डेटाबेस देखने के लिए कौन सी क्वेरी हम लगाते हैं, शो डेटाबेसेस, ठीक है। ये मेरी क्वेरी होती है शो डेटाबेसेस, आपने इसको लगा दिया। अब ये डेटाबेस को शो करने के लिए आपको पता है कि डेटा बहुत सारे मल्टीपल डेटाबेस होंगे, आप उसको शो हमेशा शो करने के लिए मल्टीपल वैल्यूज को हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर एक्स इन माई कर्सर और प्रिंट करेंगे हम एक्स को। तो जो मल्टीपल रिजल्ट आएंगे, अब मैं अगर आपको यहाँ पर शो करके दिखा देता हूँ कि आप देखोगे कि यहाँ पर मल्टीपल डेटाबेस है, माई कर्सर के पास ये सारे डेटाबेस यहाँ पर चले गए, ठीक है। तो अब इनको वन बाय वन अगर मुझे प्रिंट करना है तो मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप ये मान के चलो एक पूरी लिस्ट में वैल्यूज आ रही है, उसको अगर मुझे शो करना है तो मुझे फॉर लूप के थ्रू वन बाय वन में उसको शो करूंगा। और आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बैनर नेम से कोई भी डेटाबेस फिलहाल क्रिएटेड नहीं है, ठीक। अब एक बार मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, देखता हूँ ये क्वेरी चलती है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये बैनर नेम से डेटाबेस आपका क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर भी क्रिएट करूँ, एक बार पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो यू विल सी कि यहाँ पर बैनर नेम से डेटाबेस अब आ चुका है जो पहले नहीं था, ठीक है। तो जो आपका अब डेटाबेस जो हो चुका है वो क्रिएट हो चुका है। अब मेरा जो सेकंड टास्क है कि मुझे डेटाबेस में क्या करना है, टेबल को क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं एक बार मैं पूरी कमांड को कॉपी कर लेता हूँ सो डैट बार बार मुझे ना लिखना पड़े। इस फॉर लूप के बाहर मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ठीक। अब यहां पर मुझे क्या करना है, टेबल क्रिएट करनी है। तो क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल मैंने यहां पर कर लिया, टेबल का नेम मैंने दे दिया एक्स आई आई, ठीक है। अब ब्रैकेट लगा के यहां पर मैंने ले दिया, आप कुछ भी ले सकते हो, यहां पर मैंने लिख लिया आईडी, एक वेरिएबल ले लिया इंट, ठीक है, आईडी इंट कॉमा नेम, उसका क्या ले लिया मैंने, टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। दो ही फील्ड में बना रहा हूँ, एक आईडी फील्ड बना रहा हूँ, ठीक है। आईडी की जो आपका डेटा टाइप होगा वो इंटीजर होगा, और जो नेम होगा, नेम का जो डेटा टाइप होगा वो टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो ये मेरा ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब एक ब्रैकेट मैं और क्लोज करूंगा, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है वो उसका है, ये ब्रैकेट उसका है, तो मैं इसको एक बार यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ। अभी क्वेरी क्या होगी, मुझे मैंने क्वेरी रन करा ली है, तो अब ये टेबल एक्चुअल में क्रिएट हुई है या नहीं हुई है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माई कर्सर, ठीक है, सॉरी मैंने ये कमांड कॉपी करी है, मैं इसको पेस्ट कर लूँ। अब टेबल क्रिएट हुई है या नहीं हुई है उसके लिए मैं हम कौन सी कमांड चेक करते हैं, शो टेबल, जिससे मैं के थ्रू मैं क्या करूँ यहाँ पर उस टेबल को देख पाऊंगा। अगेन ये जो शो टेबल्स होगी ये मल्टीपल टेबल्स को रीड करेगी। अब अगर मल्टीपल टेबल हो सकती है और मल्टीपल टेबल को अगर आ रही है रिजल्ट सेट में, तो उसको देखने के लिए मैं क्या करूंगा, एक बार फिर फॉर लूप लगा दूंगा, ठीक। तो ये मेरी क्या हो गई, यहाँ पर टेबल क्रिएट हो गई। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब इस टेबल में मुझे वैल्यू स्टोर करनी है, तो एक और मेथड है, ठीक है। वो मेथड मैं यहीं पर आपको बताऊंगा, जरूरी नहीं कि आप यहीं पर पूरी क्वेरी लिखो। आप एक वेरिएबल बना सकते हो एस टी नेम से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिख दी कमांड इंसर्ट इनटू, सॉरी यहाँ पर मैं तो यूज करूंगा इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम क्या है मेरा, एक्स आई आई, ओके। अब वैल्यूज दे दी मैंने, वैल्यूज क्या होंगी, ब्रैकेट में हम वैल्यू को लिखते हैं, वैल्यूज मेरी हो गई 1, लेट अस सपोज जो नाम है आपने उसको ऐसे लिख दिया, नेम को, नेम मेरा हो गया लेट अस सपोज आर एम, ठीक है।
दो फील्ड है, दोनों फील्ड में मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दी है। अब मैंने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मैंने कंट्रोल वी कर दिया, सॉरी कंट्रोल जेड मार दो एक बार। अगेन मैं इस पूरी लाइन को कॉपी कर दू, ये वाली लाइन को कॉपी करता हूँ ना, कंट्रोल वी। और अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि क्वेरी पास ना करके जिस वेरिएबल में ये क्वेरी स्टोर है मैंने उसको पास कर दिया। ओके अब लेट अस सपोज देयर स्टूडेंट, एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, अगर आप किसी भी डेटाबेस में चेंज करते हो, अगर आप किसी भी डेटाबेस में या किसी भी वैल्यू में चेंज करते हो तो वो वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको उस कमांड को कमिट करना पड़ेगा। ठीक है, इट मीन जब भी आप या तो इंसर्ट करोगे या अपडेट करोगे या डिलीट करोगे, इंसर्ट अपडेट और डिलीट के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस कमांड को कमिट करना पड़ेगा। कमिट कमांड ये इंश्योर करेगी कि जो आपने चेंजेस किए हैं वो एक्चुअल में डेटाबेस में हो या ना हो। ठीक है, अगर आप कमिट कमांड लिखोगे तो जो चेंजेस आपने अपने प्रोग्राम में किए हैं वही चेंजेस क्या होंगे, आपके डेटाबेस में भी हो जाएंगे। अगर आपने कमिट कमांड यूज नहीं किया है तो आपके डेटाबेस में वो चेंजेस क्या होंगे, फाइनली स्टोर नहीं होंगे, वो सिर्फ आपको प्रोग्राम में आपके सामने अपीयर होंगे। ठीक है, फिलहाल ये जो चेंजेस है मुझे अपने डेटाबेस में करने हैं तो मैंने यहाँ पर कमांड लगा दी माई कर्सर डॉट कमिट। ठीक है, अब मीन्स जो भी ये चेंजेस हैं, ये भी जो इंसर्ट मैंने करा है, ये मेरे डेटाबेस में वैल्यू कब स्टोर होगी, जब मैं कमिट कमांड यहाँ पर लगाऊंगा। कमिट कमांड ये इंश्योर करेगी कि जो चेंजेस मैंने प्रोग्राम में किए हुए हैं वही जो चेंजेस मेरे डेटाबेस में भी हो जाए। ठीक है, एक ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, नाउ कमिट मैंने कर दी। अब यहाँ पर मुझे डेटाबेस को देखना है तो एक बार फिर से मैंने इसको कर दिया, और यहाँ पर अगर डेटाबेस को मुझे देखना है तो मेरी कमांड होती है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है मेरा, एक्स आई आई। ठीक है, सिर्फ मुझे यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या करूँ, कमिट करूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ वैल्यू को डिस्प्ले करना है। ठीक है, वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए मैं डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, सिंपली आपको वैल्यू शो कर देगा। ठीक है, तो ये मैंने प्रोग्राम बना लिया, एक बार मैं इसको रन कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर आ रहा है अनमैच्ड, यहाँ पर हम देख लेते हैं माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्रिएट टेबल एक्सेस आई। ओके, वन थिंग इज दैट यहाँ पर ये जो ब्रैकेट यहाँ पर लगाया हुआ है वो एक्चुअल में यहाँ पर होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेरी है वो मेरी यहाँ पर फिनिश हो रही है। एक बार दोबारा रन कराएं। ओके, यहाँ पर एक एरर आ रही है, नो डेटाबेस इज सेलेक्टेड। ठीक है, नो डेटाबेस इज सेलेक्टेड, बिल्कुल कोई डेटाबेस सेलेक्ट नहीं है, बिकॉज डेटाबेस को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर मुझे एक और क्वेरी लगानी पड़ती है जिसका नाम है यूज डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसी कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी। यहाँ पर है मुझे डेटाबेस को यूज करने के लिए कमांड लगानी पड़ेगी यूज venhur। ठीक है, यहाँ पर एक जो कमांड है ये क्या करेगी, इसको यूज करेगी, देखते हैं रन होता है या नहीं होता है। एरर आ रहा है, अनरीड रिजल्ट फाउंड। ओके स्टूडेंट, जब इस प्रोग्राम को हमने रन किया था सो यहाँ पर आपने देखा था कि ये एरर आ रही है। सो उसका जो रीज़न है इस एरर का, वो ये एरर है कि ये जो मेरी कमांड है, ठीक, ये जो कमांड है वो आपका इससे पहले रन करेगी। ठीक, एक चेंजेस आपको ये करना है, सेकंड चेंजेस क्या है, ये जो कमिट है, ये कमिट जो है ये माई कर्सर का एट्रीब्यूट नहीं है, ये जो एग्जीक्यूट है ये है माई डीबी का। ये बता रहा है कि आपको जो चेंजेस करने हैं, जो कमिट करनी है, ये कमिट डेटाबेस में करने हैं। और डेटाबेस कहाँ पर स्टोर है, डेटाबेस कनेक्शन यहाँ पर स्टोर है। कमिट कमांड तो क्वेरी को क्या कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है, क्वेरी हमारी ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है, बट जो कमिट होगा वो कमिट हमारा डेटाबेस में होगा। तो ये जो कमिट कमांड है ये हमें ये बता रही है कि ये जो कमिट करना है हमें वो कहाँ पर करना है, हमारे डेटाबेस में करना है। ठीक है,
और कर्सर तो सिर्फ क्या कर रही है, क्वेरी को स्टोर कर रही है, क्वेरी के साथ डील कर रही है। बट अगर हमें एक्चुअल में डेटाबेस के साथ में चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर ये जो होगा आपको MyDB लिखना पड़ेगा। तो जो कमिट कमांड, जो कमिट है वो आपका किसका एट्रीब्यूट है, कि MyDB का एट्रीब्यूट है, माई कर्सर का एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको डेटाबेस दिखाता हूँ। ये बैनर जो डेटाबेस है, ठीक है, ऑलरेडी है। ठीक है, आप चाहो तो आप इसको भी यहाँ पर डिलीट कर सकते हो कमांड लगा के, delete, ठीक है, ठीक है, देखते हैं रन हो रही है या नहीं हो रही कमांड, आई थिंक एरर देगी। तो स्टूडेंट, अगर आपको डेटाबेस को डिलीट करना है तो आपकी कमांड होती है ड्रॉप डेटाबेस बैनर। ठीक है, सो ऑलरेडी आई हैव डिलीटेड, मैंने उसको डिलीट कर दिया है उस डेटाबेस को। ठीक है, बैनर नेम से यहाँ पर कोई डेटाबेस नहीं है। अब मैं जब प्रोग्राम को रन करूंगा तो यू विल सी इस तरह से आउटपुट आएगा। ठीक है, एक बार मैं आउटपुट आपको बता दूं। फर्स्ट प्रिंट क्या हुआ, यहाँ पर ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है और ये मेरा प्रिंट हुआ है। ठीक है, जब डेटाबेस क्रिएट हुआ है आप देखोगे डेटाबेस बैनर दोबारा से क्रिएट हो चुका है। आपने उसको यूज किया और उसमें शो टेबल किया, तो शो टेबल करने के बाद ये जो वाली जो क्वेरी है, ये जो फॉर वाला लूप है, वो ये प्रिंट कर रहा है आपका। ठीक, नाउ नेक्स्ट आपका, फिर आपने क्रिएट टेबल कर दी। ठीक है, आपका क्रिएट जो टेबल है आपको यहाँ पर शो करेगा कहीं। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है XII जो टेबल है ये आपको शो कर दी। ठीक है, ये आपका टेबल आपका है XII टेबल जो है आपको शो कर दी यहाँ पर, जो भी टेबल मेरी बनी हुई है। इंसर्ट इनटू वैल्यूज कर दी वन रैम, और ये वैल्यू जो है आपकी एक ही वैल्यू उस टेबल में है उसको डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, आपके डेटाबेस में दिखा दूँ। एक बार जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो कि बैनर नेम से डेटाबेस बन चुका है। ठीक है, जब मैंने इसको किया तो वहाँ पर XII टेबल मेरी ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब XII टेबल को जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, XII टेबल मेरी क्रिएट हो चुकी है। ओके, तो इस तरह से क्या है आपका, और यहाँ पर देखोगे कि दो आपके फील्ड है आईडी और नेम, और इस आईडी में पहली वैल्यू 1 है और सेकंड वैल्यू क्या है रैम, जो हमने विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम क्या करी है स्टोर कराई है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो बाय यूजिंग पाइथन, आप मैन क्या कर सकते हो एट अ रन टाइम आप अपने डेटाबेस के साथ प्रोग्राम कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो डील कर सकते हो। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।